हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कार्वर प्लस कैप्सूल के बारे में। इसके क्या क्या यूजेज हैं और किस प्रकार यूज किया जाता है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। दोस्तों, कार्वर प्लस कैप्सूल में कैम्फर, क्लोरोथाइमोल, इक्यूलिप्टॉल, मेंथॉल और टर्पेनियोल सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल होता है। अगर इसके यूजेज की बात करें तो इसका यूज दोस्तों सर्दी, जुकाम, खांसी, नाक के मार्ग में रुकावट या ना गले में बहुत ज़्यादा कफ जमा हो गया है या छाती में बहुत ही ज़्यादा कफ जमा हो गया है तो आप इस कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। ये कैप्सूल आपको स्टीम लेनी है दोस्तों, एक गर्म पानी में या स्टीमर मशीन की सहायता इस कैप्सूल को उसमें डाल के बहुत ही ज़्यादा स्टीम लेनी है। अगर आप 10 से 15 मिनट इस कैप्सूल की स्टीम लेते हो या वाप लेते हो तो आपकी सर्दी, जुकाम या गले में कफ या छाती में ज़्यादा कफ जमा हो गया तो इस कैप्सूल की सहायता से आप निकाल सकते हैं। ये स्टीम लेने के लिए बहुत ही अच्छी है और अभी के समय में सबसे ज़्यादा मार्केट में चल रही है। स्टीम लेने के लिए आप इस कार्वर प्लस कैप्सूल का यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी है। अगर आपको गले में भी कोई भी प्रॉब्लम है या कफ बहुत है तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी कैप्सूल है। इसके अगर प्राइस की बात करें तो 69 रुपीज़ में आपको कोई भी केमिस्ट में मिल जाएगी। अब इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, जैसे सिर दर्द हो जाना या पेट में दर्द हो जाना या आपको उल्टी हो सकती है या दोस्तों कुछ चक्कर आ सकती है या थोड़ी बर्निंग हो सकती है आपको या दोस्तों सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है जिसको अस्थमा की ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इसके कुछ नॉर्मल ही साइड इफेक्ट हैं जो लंबे समय तक नहीं रहते हैं। आज तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दीजिएगा। अगर आपके मेडिसिन के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रहेगी तो हम वहाँ पर भी आपसे बात कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।